अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल का एक अमेजिंग फंक्शन, जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि किसी भी ईयर या किसी मंथ में डेज कब से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट का फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद हम डेट का फंक्शन यूज करेंगे। डेट में सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, 2013 में चेक करूंगा। 2023 में मैंने कौन से मंथ के डेज चेक करने हैं, तो मैं इफ जनवरी ले लेता हूँ। पहले यहाँ मंथ सेलेक्ट किया जनवरी, उसके बाद कॉमा प्रेस किया, उसके बाद मैं सीक्वेंस का फार्मूला यूज करूंगा जो कि मेरे डे को सीक्वेंस में कर देगा, ठीक है। सीक्वेंस के बाद आप रो में मेंशन करें, यानी कितने डेज आपको चाहिए, एक हफ्ते के दिन चाहिए, तो आप यहाँ 7 मेंशन कर दें, ठीक है। इसको डबल ब्रैकेट से, ये जो ब्रैकेट हमने ओपन की थी उसको क्लोज कर दिया, उसके बाद कॉमा प्रेस किया, और उसके बाद ये हमें पूछ रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा में मैं 3 टाइम डी प्रेस करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट बंद की, और ये मेरे पास इस सीक्वेंस में आ गए, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं तो F2 प्रेस करके यहाँ 1 टाइम मोर डी प्रेस करेंगे तो ये कंप्लीट आपके पास इस तरह फॉर्मेट आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आपने वेरीफाई करना है कि ये दिन बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो यहाँ मैं कैलेंडर पे जाता हूँ। यहाँ जनवरी में मेरा 1 जनवरी को संडे था, तो ये मेरे पास संडे आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं फरवरी का सिलेक्ट करता हूँ, फरवरी का देखें ये वेडनेसडे आ रहा है, तो यहाँ F2 प्रेस करेंगे। F2 में आपने यहाँ जो मंथ की जगह, वहाँ 1 मैंने जनवरी किया था, अब यहाँ मैं 2 प्रेस करूंगा तो इट मीन्स फेब हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ही है, वेडनेसडे आ रहा है फेब में, और यहाँ भी आपके पास फेब में अगर चेक करेंगे तो ये आपके पास वेडनेसडे आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।